पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे जो पार्थिव शरीर है उस शहीद की सभी लोग एक एक करके यहाँ पे उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और ये जो शहीद का पार्थिव शरीर है उनके निवास स्थान पे है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा में लिपटा हुआ ये शरीर यहाँ पे अमर शहीद नायक राजीव कुमार की जो तस्वीर लगी है राजू यादव की, और लोग एक एक करके गांव के लोग आ रहे हैं तस्वीर को यहाँ पे आ रहे हैं, सभी लोग नमन कर रहे हैं, सभी लोग चूम रहे हैं, सभी लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। बस अब मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि यहाँ पे कुछ दिखाएं जो परिवार के लोग हैं, माँ हैं उस बेटे की, तो आप ये खुद आकलन कर सकते हैं, तस्वीरें देख के आप खुद सोच सकते हैं उस माँ पे क्या बीत रही होगी और क्या चल रहा होगा। वो जो तस्वीरें हैं वो कैमरा मैन से कहूँगा काफ़ी मार्मिक जो तस्वीर है उस शहीद के राजीव कुमार के, ये जो बेटे हैं 3 साल के इस समय बिल्कुल वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये मंजर क्या है, ये तस्वीर क्या है। उनके भाई हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं आप भी सेना में ही हैं, देश के लिए ही सेवा दे रहे हैं। कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपके भाई दुनिया में नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए? आप खुद एक जवान हैं और भारत माता की सेवा करते हैं, तो कैसा लगा आपको? हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मगर जो आप तस्वीरें देख के आप खुद आकलन कर सकते हैं कि जिसका बड़ा भाई, और गर्व की बात तो है कि देश की सेवा के लिए शहीद हो गए हैं, मगर जो ये मंजर है इसको जिस तरह से भी बयां किया जाए, वो 3 साल का बेटा, वो माँ, एक बहन है इनकी और 2 भाई हैं, और जब इकलौती बहन को पता चले कि मेरा उनको पोस्टेड भी आर्मी है, तो एक बात कर लें कि पूरा जो इनका परिवार, जो पूरा रिश्तेदार, वो कहीं ना कहीं देश के लिए समर्पित है। और यहाँ पे एक एक करके महिलाएँ जो हैं वो आ रही हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रही हैं। वहाँ माँ हैं जो पूरी तरह से बेसुध हो चुकी हैं, और जाहिर सी बात है ये तो होना ही है, ये तो होना ही होता है जब किसी माँ को पता चले। हम माँ से बात करने की कोशिश करेंगे, माँ बिल्कुल इस समय बेसुध हैं, और जाहिर सी बात है बेसुध होना ही चाहिए। जब माँ को पता चले कि उसका बेटा, गर्व की बात तो है कि देश के लिए शहीद हो गए हैं, हम माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे, मगर आप ये तस्वीरें खुद देख रहे हैं कि इस समय बात करना काफ़ी मुश्किल है। तस्वीरें देख के आप खुद आकलन कर सकते हैं। और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम बात करें, कैसा लग रहा है आपको ये जो मंजर देख रहे हैं आप? सर क्या बताएं, सबको तकलीफ है, गांव के प्रति बहुत अच्छे दोनों भाई, देखते सलाम दुआ, चाचा नमस्ते, भैया नमस्ते, इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तो गांव के लोगों का कहना है कि जैसा इनका नेचर था और जिस तरह से इन्होंने, जिस तरह का इनका स्वभाव था, और आज कुछ कहने के लिए लोग बिल्कुल इतनी बुरी स्थिति में हैं, और जाहिर सी बात तो होना ही है जब आपको पता चले कि आपके ही गांव का, गर्व की बात तो होती है मगर शहीद होने के बाद। और भी जवान हैं, और भी युवा हैं, आइए इनसे भी बात करें, युवाओं से भी हम बात करेंगे, क्या लगा जब आप लोगों को पता चला कि हमारे ही गांव के, हमारे क्षेत्र के राजीव यादव शहीद हो गए हैं देश की सेवा के लिए, तो कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ? कैसा फील हो गया देखिए, कुछ कह नहीं सकते हैं हम लोग, कोई शब्द नहीं बचा उनके कहने के लिए कि हम लोग उनके बारे में कुछ बोलें, 2 शब्द कुछ कहने के लिए कुछ, कुछ नहीं बचा हम। कैसा नेचर था उनका, कैसा स्वभाव? अरे बहुत अच्छे आदमी थे, हम लोग साथ में, हमारे एक भैया, मेरे भैया भी एक फौजी में, उनके दोस्त हैं वो, अब क्या बताएं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके निवास स्थान से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं संजय, मऊ तक से नमस्कार।